आप देख रहे हैं अकोला की टॉप 10 न्यूज। पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग को लेकर राज्य सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारी आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। अपनी इसी मांग को लेकर मंगलवार 14 मार्च से कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के सड़क पर उतर जाने की वजह से सरकारी विभाग वीरान नजर आने लगे हैं। वहीं सरकारी कार्यालयीन कामकाज भी लगभग पूरी तरह ठप रहा। चने को निजी बाजार में दाम कम होने से किसानों को गारंटी मूल्य पर चना खरीद की प्रतीक्षा बनी हुई थी, आखिरकार किसानों की प्रतीक्षा खत्म हो गई। मंगलवार 14 मार्च से सरकारी खरीद शुरू हुई, किंतु पहले दिन नाफेड केंद्र पर खरीद नहीं की गई। वहीं आगामी 3-4 दिनों के दौरान बेमौसम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। स्थानीय रामदास पेट थाना अंतर्गत आने वाले महानगर पालिका आयुक्त के आवास परिसर में लगाए गए एक पेड़ से शहद का छत्ता निकाल रहे एक 55 वर्षीय व्यक्ति जंजाल की मौत होने का मामला मंगलवार 14 मार्च को दोपहर सामने आया। इस मामले में रामदास पेट पुलिस ने धारा 174 के तहत आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। अकोला महानगर पालिका के पश्चिम जोन अंतर्गत बालापुर रोड पर टीन शेड का अनधिकृत निर्माण किया गया था। जानकारी पश्चात मंगलवार को पश्चिम जोन कार्यालय तथा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग में अनधिकृत निर्माण निष्कासन की कार्रवाई की। इस दौरान परिसर में पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। अकोला महानगर पालिका के कर्मचारियों की कार्यक्षमता को जांचने के लिए मनपा आयुक्त ने समिति का गठन किया और फरवरी माह में साक्षात्कार का सिलसिला शुरू हुआ। एक सप्ताह के ब्रेक के बाद फिर सोमवार से कर्मचारियों के साक्षात्कार शुरू किए गए। अब तक 600 के करीब कर्मचारियों के साक्षात्कार निपट चुके हैं। अभी भी 1250 कर्मचारियों के साक्षात्कार होने बाकी है। राज्य के 1,523,426 बिजली उपभोक्ता बिल नहीं भरते हैं। इनमें से कई के बिल 8 साल से बकाया है। इसके बावजूद इनकी बिजली काटने के बजाय उनसे चालू बिल भरने की अपील की जा रही है। दूसरी तरफ कृषि बिल का बकाया 48,689 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। जैन धर्मियों की काशी माने जाने वाले व पूरे विश्व में प्रसिद्ध शिरपुर जैन के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जैन मंदिर का ताला 42 वर्ष के बाद खुला। 14 मार्च को सुबह 11 बजे मंदिर के द्वारा खोल दिए गए, जिससे शिरपुर में भक्तों का आवागमन बढ़ गया है। सभी जैन श्रद्धालु अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर के स्टाइपेंड में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। विधान परिषद में राज्य के मेडिकल शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने ये जानकारी दी। फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टरों को 75,000 रुपए बतौर स्टाइपेंड मिलता है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई बुधवार को पूरी हो सकती है। इसके बाद पीठ फैसले की तारीख का ऐलान कर सकती है। मामले में मंगलवार से फिर शुरू हुई सुनवाई के दौरान शिंदे गुट के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी की। अब माननीय 5 पीठ न्यायाधीश बैच के निर्णय की तरफ पूरे राज्य का ध्यान लगा हुआ है। केंद्र सरकार ने जनता का राशन बंद करने की साजिश रची, ऐसा आरोप लगाते हुए और अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को अकोला जिला कांग्रेस की ओर से रोटी बचाओ मोर्चा निकाला गया। साथ ही राज्य सरकार का निषेध जताया गया। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज। न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी के इस चैनल को अभी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।